नमस्कार, आप देख रहे हैं वी टाइम न्यूज। बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। राज्य के रिम्स स्थित हॉस्टल नंबर 5 से एक युवक का जला हुआ शव बरामद किया गया है। बरियातू पुलिस मौके पर पहुंच मामले की तफ्तीश में जुट गई है। जिस युवक का शव बरामद हुआ है उसकी पहचान मेडिकल छात्र के रूप में हुई है। मृत छात्र का नाम मदन कुमार एम बताया जा रहा है, जो तमिलनाडु का रहने वाला है। मृत छात्र रिम्स में फॉरेंसिक एंड मेडिसिन डिपार्टमेंट का सेकेंड ईयर का छात्र बताया जा रहा है। मौके पर FSL की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया है। फिलहाल अब तक मौत की वजह पता नहीं चल पाई है। पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है जांच एजेंसी। अभी सुबह में हम लोगों को ये जानकारी प्राप्त हुई है कि हॉस्टल नंबर 5 में एक रिम्स का जो है संभवतः अभी एक जो यहाँ पे अपना क्लास करते हैं रिम्स में, उनकी डेड बॉडी जो है वो जली हुई अवस्था में प्राप्त हुई है। पुलिस जो है वो सभी बिंदुओं पे कार्य कर रही है। इनकी अभी शिनाख्त जो है कंप्लीट नहीं हुआ है, शिनाख्त करने का प्रयास किया जा रहा है और पुलिस इस मामले को जो है गंभीरता से लेकर के पुलिस की जो तकनीकी पहलू है उन पहलुओं को यूज करते हुए और सभी बिंदुओं पे जो है गहन अनुसंधान शुरू किया है। अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं, आगे अगर तक जो अनुसंधान में आएगा फिर हम लोग के द्वारा जो है विस्तृत रूप से पुलिस को बताया जाएगा। अभी प्राथमिक जानकारी के अनुसार तमिलनाडु, अभी पूरा वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, वेरिफिकेशन करने का कार्य किया जा रहा है।